अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने वोट किस टेक्नोलॉजी को दिया? मैंने ASP.NET। ASP.NET को, तो मतलब ASP.NET ही क्यों, बाकी लैंग्वेजेस क्यों नहीं? बाकी लैंग्वेजेस भी हैं, लेकिन हमने उस पर प्रोजेक्ट किया, हमने दूसरी लैंग्वेजेस पे भी किया, तो इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। दैट मीन्स कि आपके लिए जो है .NET बहुत ही यूजफुल लैंग्वेज है। जी, React को वोट करने का रीज़न मेरे पास ये है कि अभी समझ लें न्यू टेक्नोलॉजी में React काफ़ी अच्छा स्कोप लेकर आई है, और ख़ासतौर पर जब हमारे पास फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात आती है तो मन स्टैक में रिएक्ट काफ़ी अहम किरदार अदा कर रही है फ्रंट एंड के लिए। तो इसमें हमें बच्चों को काफ़ी अच्छा सीखने का और आगे स्कोप बनाने का मौका मिलेगा। तो आप किस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर वोट कास्ट करने आए? मैं AI को। AI ब्लॉकचेन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, माशाल्लाह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी इलेक्शन इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, बहुत ही गहमा गहमी का जो है माहौल है, तो मतलब आपको ये आइडिया कैसे आया कि बच्चों के लिए भी टेक्नोलॉजी इलेक्शन होना चाहिए? बेसिकली इसका पीछे ये है कि नॉर्मली हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद हैं, तो उनको एक तो इलेक्शन का एक एक्सपीरियंस होना कि भाई इलेक्शन क्या है, और जाहिर सी बात है कि हम एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं और उसमें हमारा जो कोरली फोकस है वो टेक्नोलॉजीज़ पर है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ पर बेस कर रहा है। तो हमने सोचा कि एक ऐसा इवेंट होना चाहिए, एक ऐसा इलेक्शन ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजीज़ को सिलेक्ट करें। आप नॉर्मली भी आप जिस तरह स्कूल में पूछते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तो बताते हैं कि जी किसका मैथ्स होता है, किसी का इंग्लिश, किसी का उर्दू, तो सेम यहाँ पर भी ये टेक्नोलॉजी है। तो कुछ लोग बच्चे हैं जिनको HTML JavaScript पसंद है, किसी को PHP Laravel पसंद है, किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ फोकस ज़्यादा है, वो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। तो हम लोगों ने उनमें से जो मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी हैं उनको आप समझें कि वो कैंडिडेट्स हैं, और देखते हैं आप किसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं। सर बहुत बेहतरीन, मतलब ये इन्वायरमेंट है हम यहाँ पर देख रहे हैं, और आपने इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताया कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो सर मेरा मतलब एक मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने अभी वोट दिया है तो आपने किस टेक्नोलॉजी को वोट किया है? मैंने JavaScript को दिया। आपने JavaScript को वोट किया है सर, मतलब इसका मतलब कि आपकी जो फेवरेट टेक्नोलॉजी है वो JavaScript है? नहीं, फेवरेट टेक्नोलॉजी तो अगर मैं कहूँगा मुझे C# ज़्यादा पसंद है, ठीक है, लेकिन मैं इसको एज पर जिस तरह आपको कहेंगे फेवरेट को नहीं मैंने तर्जा दिया, मैंने उस चीज़ को जो ट्रेंड में ज़्यादा है, ये एवरग्रीन है, ठीक है। तो आपको जब नॉर्मल इलेक्शन जो कि कल होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, उसमें भी आपको फेवरेट कैंडिडेट को नहीं, ऐसे कैंडिडेट को वोट देना है जो कि मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। माशाल्लाह सर बहुत बेहतरीन आपने हमें डिफ़ाइन किया है इसके बारे में, और इंशाल्लाह आपकी कॉन्सेप्ट को अल्लाह आगे की तरफ लेकर जाए और बच्चे आगे की तरफ जो है आगे जो आने वाले वक्त हैं, जैसे यहाँ पर एक प्रैक्टिस भी हो रही है बच्चों की कि ताकि टेक्नोलॉजी इलेक्शन के थ्रू बच्चे अपने आगे ज़िंदगी के अंदर जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे उसको भी आगे कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और थैंक यू सो मच।